हाय गाइस, फाइनली सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट क्लास 10th और 12th के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके रिगार्डिंग सर्कुलर जारी कर दिया है। जो भी बच्चे आप में से क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो मार्च और अप्रैल में होगा, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप किसी भी कैटेगरी में दे रहे हो, या तो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैटेगरी हो, इम्प्रूवमेंट हो, फेलियर कैंडिडेट हो, या वुमेन जो दिल्ली के कैंडिडेट के लिए होता है, एडिशनल सब्जेक्ट या पत्राचार, या आपका थर्ड कंपार्टमेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार जो है, जिस तरीके से बोर्ड ने भी इसमें मेंशन कर रखा है कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम हुआ करता था अब तक, वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ हुआ करता था। बट इस बार क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट का एग्ज़ाम दो टर्म्स में होता है, टर्म वन एंड टर्म टू के, तो टर्म वन वाला जो एग्ज़ाम है उसमें तो आप बैठ नहीं रहे हो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब आएगा तो अब फिल करोगे। तो आपका टर्म टू का केवल एग्ज़ाम होगा, और जितना सिलेबस आएगा उस सिलेबस के रिगार्डिंग ही एग्ज़ाम होगा, एंड उसी के जितना मार्क्स उसमें आएगा उसी के बेसिस पे आपको टर्म वन में भी मान लिया जाएगा कि उतना ही आप परफॉर्म करते। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा टोटल मार्क्स जो 100 में से कैलकुलेट होगा। इसमें आपका जो प्रैक्टिकल मार्क्स है पीछे वाला वो कैरी फॉरवर्ड होगा, बट यहाँ पे मेंशनड नहीं है, ठीक है। और आप लोग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो जल्द ही आ जाएगा, कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है वो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस मैंने बता दिया कि केवल टर्म टू का एग्ज़ाम में जो सिलेबस आएगा वही सिलेबस रहेगा आप लोग के लिए। एंड जो बच्चे थर्ड चांस कंपार्टमेंट इसमें मेंशन नहीं है, तो आपके लिए थर्ड चांस कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा, एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा। अगर किसी भी वजह से वो लोग थर्ड कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं निकालते तो हम लोग सीबीएसई से डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आपको मौका तो एक है, वो सीबीएसई गलती की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था थर्ड कंपार्टमेंट का, ठीक है। एंड जो भी प्रिपरेशंस करने हैं उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बात करूँगा। एंड साथ में जो बच्चे एनआईएस के रिगार्डिंग जानना चाहते होंगे, तो आपका एनआईएस का जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसके लिए डेट एक्सटेंड हुआ है विद लेट फीस, ठीक है। और अब जो डेट है वो 30th नवंबर है, अभी 15 नवंबर तक लेट फीस के साथ हो रहा था, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा जो 15 तारीख को ही ये सर्कुलर जारी किया है एनआईएस ने भी, कि आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया, मतलब 15 दिन का और चांस मिल गया है। आप जो भी बच्चे जो है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और करा सकते हो। हम लोग भी एनआईएस के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, दूसरी वीडियोस में नंबर है मेरा और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। होपफुली मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करने हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो आएंगे। जैसे ही फॉर्म आता है उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जब तक फॉर्म नहीं आता तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, जैसे फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा आपको कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।